सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए जून 2021 माह में होने वाली स्वास्थ्य विभाग की स्टाफ नर्स के लिए 5 बड़ी भर्तियों के अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्टाफ नर्स के खाली पदों को भरने के लिए 5 बड़ी भर्तियाँ होने जा रही है। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इन भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब स्वास्थ्य विभाग में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंतर्गत होने जा रही है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 378 वैकेंसीज हैं। 12वीं पास, GNM डिप्लोमा धारक या फिर BSc की डिग्री जिनके पास नर्सिंग के अंदर है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा रखी गई है। सैलरी आपको 28,700 से 91,300 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस यहां पर कैटेगरी वाइज जमा करानी है, जैसे कि जनरल और UR कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1200 आवेदन शुल्क है। OBC, EWS और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1100 आवेदन शुल्क है। SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है gmcbhopal.net। जॉब लोकेशन भोपाल, मध्य प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 16 जून 2021 है। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहडोल के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 238 वैकेंसीज हैं। 12वीं पास, GNM डिप्लोमा धारक या फिर BSc की डिग्री जिनके पास नर्सिंग के अंदर है, वो कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा रखी गई है। सैलरी आपको 28,700 से 91,300 के बीच में इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस यहां पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1,100 है, OBC, EWS के लिए 1,000 है, SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹900 फीस है। ये फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहां पर भी आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है gmcshahdol.org। जॉब लोकेशन शाहडोल, मध्य प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर बात करें तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 15 जून 2021 है। एग्जाम आपका 3 जुलाई 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 254 वैकेंसीज हैं। 12वीं पास, GNM डिप्लोमा धारक, BSc नर्सिंग डिग्री धारक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा रखी गई है। सैलरी आपको 28,700 से 91,300 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। जनरल और OBC को ₹1100 आवेदन शुल्क जमा कराना है। EWS और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹1000 आवेदन शुल्क जमा कराना है और SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹900 आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। ये शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है nscbmc.ac.in। जॉब लोकेशन जबलपुर, मध्य प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स इस भर्ती की अगर बात करें तो इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 15 जून 2021 है। एग्जाम आपका 3 जुलाई 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको फोर्थ नंबर की जॉब के बारे में बता दें। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डाटिया के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 172 वैकेंसीज हैं। 12वीं पास, GNM डिप्लोमा धारक या फिर BSc की डिग्री जिनके पास नर्सिंग के अंदर है, वो कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा रखी गई है। सैलरी आपको 28,700 से 91,300 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी।
फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए 1200 रुपये आवेदन शुल्क है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर भी आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है datiamedicalcollege.com। जॉब लोकेशन डाटिया मध्य प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर बात करें तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 15 जून 2021 है। अब हम आपको फिफ्थ यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के अंतर्गत ही भर्ती होने जा रही है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 98 वैकेंसीज हैं। 12वीं पास जीएनएम डिप्लोमा धारक या फिर बीएससी की डिग्री जिनके पास नर्सिंग के अंदर है वो कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा रखी गई है। सैलरी यहाँ पर भी आपको 28,700 से 91,300 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को 1400 रुपये आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। वहीं पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को मात्र 1200 रुपये आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। ये आवेदन शुल्क आप यहां पर ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है bmcsagar.edu.in। जॉब लोकेशन सागर मध्य प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 9 जून 2021 है। तो दोस्तों ये थी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जून 2021 माह में होने वाली स्टाफ नर्स की इन 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ को ओपन करके पूरी डिटेल आप उनमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर ही आपको पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जिसकी मदद से आप सिंपली इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ये लिंक आपको पर्टिकुलर पोस्ट के नीचे ही प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनकी मदद से आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल रीड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन के लिंक की मदद से सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।